Mubarak ho. Mubarak ho, Shivam. तूने तो मौत को भी मात दे दी शिवम। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि तेरी उम्र बढ़ गई है या तकलीफ बढ़ गई है। ए इधर आ, एक और गड्ढा खोद। इसको जरा नहलाते हैं। अरे भाई, मुर्दे को दफनाने से पहले नहलाना तो पड़ेगा ना। तेरे लिए तोहफा है, डैड ने भेजा है। खोल इसे, खोल खोल। वो फिल्मों में क्या कहते हैं, हाँ, रस्सी चल गई लेकिन बल नहीं गया। ये ले और फोन कर अपने मलिक साहब को, माफी मांग उनसे। बड़ा ही खुशकिस्मत इंसान है तू, एक और मौका मिला है तुझे। देखो जो कह रहे हैं ना उसको मान ले, रीमा को मार दे, समझा? 10 मिनट है तेरे पास, 10 मिनट। जानता मैं इसको, कोई माफी नहीं मांगने वाला। 10 मिनट के बाद उड़ा देंगे साले को। सॉरी सर। Separate the live ones from the dead ones. Jimmy. Yeah, it's me. I asked you for 30 girls, and you sent me 17, and half of them are freaking dead. This is not how I do business. I already sold them to our friends in Romania. I'll tell you what, I can't even unload these girls, not even to my new customers, so this is what you're gonna do. You're gonna send me 30 girls. Good ones. And when I say good, I mean fresh, clean ones. I got a reputation, and I'm not gonna let you mess with my business. If you can't deliver, I'm gonna call someone else who can. Listen, Jimmy, if I have to, I'll call the Russians. They might cost a little more, but at least they can give me a decent consignment. Sure, we go back, but not so far back that... She's still alive! Thank you.
शिवम चल, प्रॉब्लम है, रूम नंबर 203। रूम भी रोनी के नाम पर बुक, इसीलिए शायद किसी ने उसे रोका नहीं। हे शिवम, अच्छा हो तो आ गया। इसको इसको देख ले यार, टेक केयर ऑफ द शिट। ए सुन सुन, ये मेरी गलती नहीं है, इसे पूछ यार, बता इसको। साली यहां बैठ के हंस-हंस की बात करी थी, बिस्तर पे पता नहीं क्या हो गया उसको, गली देने लग गई, बिल्ली की तरह नोच दिया मेरे को, डाल दिया उसमें। टेक केयर ऑफ, मलिक अंकल को बोल दे मेरी गलती है, नशे में था मैं। शिवम प्लीज, साले किसको फोन कर रहा है, हाँ पुलिस को फोन कर रहा है, फोन नीचे रख, फोन नीचे रख, ऐसे बता इसको फोन नीचे रखने के लिए। देख मेरे पास चार गोली और है, दो तेरे में डालूंगा और दो इसमें, समझा? Manoj Malik, a.k.a. Munna, the suspected rapist and murderer of Sylvia Thomas, a hotel employee of Hong Kong International. Ni hao ma, this way sir. Only son of local businessman Mr. Rajan Malik and nephew of Bharat Malik, the owner of Hong Kong International Hotel. The Malik family moved to Hong Kong about 12 years ago from India. It is believed that the Maliks were involved in various illegitimate businesses and activities. किसी इंसान का कद जानना हो तो पता लगाओ कि उसके दुश्मन कौन है, जितना बड़ा दुश्मन उतना बड़ा वो। अच्छी तरक्की कर रहा हो, खाना खाएगा? ऑडिटर्स बता रहे थे कि तुम्हारे एक होटल का बिजनेस हमारे बाकी के सारे होटलों से 7 गुना ज्यादा है, जबकि हम अपने होटलों में कैसीनो चलवाते हैं, दुनिया भर से डांसर्स को बुलवा के लड़कियों को नचवाते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा होटल नंबर 1 है। किसी ने सही कहा है कि जब अच्छाई के पौधे पे फल लगने लगे ना, तो उसके ऊपर बुराई की खाद नहीं सींचनी चाहिए। सॉरी सर, आउट ऑफ माय वे, कांट गो। क्या जरूरत थी हाँ? मुन्ना को अरेस्ट करवा के अच्छा नहीं किया तुमने, समझे? जब जब भी मैं राजन अंकल के साथ बिजनेस करने की कोशिश करता हूं, ये शिवम, डोंट इंटरफियर इन माई बिजनेस रिलेशनशिप्स, तुम एक नौकर हो, साले नौकर की तरह रहो, वरना
वरना क्या? क्या? बिजनेस समझते हो तुम? मुन्ना को होटल में रूम तुमने अपने नाम पे बुक करके दिया था ना? पापा मेरी बात होटल शिवम का है, बिजनेस भी शिवम का है। आइंदा मेरी पीठ पीछे तुम उस होटल में नहीं जाओगे और ना ही शिवम से ऊंची आवाज में बात करोगे, समझा? समझा जी। उस दर्द के मारे का आलम क्या कहिए कि जिसके अश्कों को आंखों तक आने के लिए 100 बार ठिटकना पड़ता है मैंने आपको इस तरह पीते हुए कभी देखा नहीं है। आप ठीक तो हैं? आइए मैं आपको अंदर लेके चलता हूं। आइए चलिए। एक बात करनी है तुझसे। जी। एक लड़की है रीमा, पाकिस्तानी है। वो कोई आम लड़की नहीं है, इसलिए मैंने उसे सबकी नजरों से दूर छुपा के रखा है। पिछले दिनों मैं उससे मिलने गया था, बहुत बातें की मैंने उससे, बहुत प्यार किया, लेकिन जब वो मेरे साथ बिस्तर पे थी ना, उस वक्त मुझे पहली बार एहसास हुआ कि उसका जिस्म तो मेरे पास है लेकिन वो मुझसे कहीं बहुत दूर जाके खड़े हो गई है। ये लड़की अगर किसी और से मिलने लगी ना, या किसी और से प्यार करने लगी, तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा शिवम। मैं 2 हफ्तों के लिए लंदन जा रहा हूं, ये पता है उसका। नजर रखो इस पे, पीछा करो उस लड़की का और पता करो कि इसकी जिंदगी की आखिरी मंजिल मैं ही हूं या मेरे अलावा भी कोई और है। ये मेरा वहम है तो अच्छा है, लेकिन अगर ये सच हो तो मुझे एक फोन कर देना।
जी जी मुझे मलिक साहब ने भेजा है। जी आप जरा जोर से बोलेंगे प्लीज। जी ये पार्सल मलिक साहब ने आपके लिए भेजा है। नहीं मुझे भी कुछ वक्त और लगेगा। हाँ मैं तैयार रहूंगी। एक मिनट होल्ड करोगे प्लीज। एक्सक्यूज मी। जी आप जा सकते हैं। मलिक साहब ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। नहीं मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मलिक साहब से खुद बात कर लूंगी। जी ये मेरा कार्ड है। नहीं नहीं मुझे इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सुनिए अच्छा अपना कार्ड दे दो। पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। गुड बाय। खुदा हाफिज। अजीब आदमी है आप। खुदा हाफिज कह के भी नहीं जाते। गुड बाय। आई एम सॉरी। आप रहने दीजिए। आई एम सॉरी। मैं कर लूंगी। रहने दीजिए। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। के बॉडीगार्ड ने सिल्वा के मर्डर का इल्जाम अपने सर पर ले लिया। जब से साला जेल से छूटा है मेरा जी आराम कर दिया सर। जब देखो फोन करते रहते हैं शिवम कहाँ है शिवम कहाँ है। मैंने अंकल को बहुत समझाने की कोशिश की। बात छोटी है छोड़ दो। नहीं समझते वो। आफ्टर ऑल रेप और मर्डर हमने थोड़ी ना किया है। लेकिन नहीं शिवम की मां का शिवम की बहन का। देख मेरी बात मान। अंकल को फोन कर माफी मांग उनसे। बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। बात मान मेरी। अंकल का ही फोन है तू ही इन्हें संभाल। संभालना। शिवम ये तूने अच्छा नहीं किया। अगर आपको जो कुछ भी बोलना है बोल दो लेकिन हिजड़े की तरह फोन पे नहीं hey. मेरे सामने संभाल लिया। क्या किया तूने? हाँ? शिवम, शिवम मेरी बात सुन।
समझता क्या तू अपने आप को? जिसे चाहे गोली मार दी, जिसे चाहे गाली दे दी, तू है क्या? तेरी ये जो अकड़ है ना, तेरा ये जो रुबाब है, ये सब इसलिए चलता है क्योंकि मेरे बाप का हक तेरे सर पर है। एक बार शिवम ये हाथ हटे दे, उसके बाद देख तेरे साथ क्या होता है। सुना तूने? सुना तूने? जिस दिन मलिक साहब का हाथ तेरे साथ उठ गया ना, उस दिन तेरी लाश किसी गटर में हो गई। ये राजन मुन्ना, ये तेरा परिवार है हा? रॉनी, ये लोग तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो एक दिन तुम्हारे बाप के बिजनेस को टेक ओवर कर सके और तुम लोगों को बर्बाद कर सके। हो सके तो होश में आने की कोशिश कर। जी सर। कहाँ पर हो? घर पे। कोई खास काम? अब बता ही दो शिवम, भरत मलिक की तकदीर में वफा है या बेवफाई? आप घबराइए नहीं सर, जैसे आपने सोचा था वैसे अभी तक तो कुछ नहीं है। ओके, चलो आज तो कम से कम बिना पिए ही नींद आ जाएगी। फिर भी कुछ दिन और नजर रखना इस लड़की पर। औरत का दिल और समुंदर की गहराई मापना आसान नहीं होता है शिवम। इतनी बेबसी, इतनी घुटन, इतनी लाचारी, इतना दर्द क्यों देता है ये इश्क? अच्छा है तुम इस चक्कर में नहीं पड़े। गुड बाय। साला अभी होना था ये सब। जल्दी कर। हाँ करता हूँ करता हूँ। शिवम तू हट यार। लग गया। शिवम तू जाना, ये लोग मुझे नहीं पहचानते, तुझे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तू जा, तू जाना यार, मैं करता हूँ ना, तू जा। बड़े घबराए हुए लगते हो साहब। कोई बात नहीं, इस पंछी को रिहा कर दीजिए, अल्लाह की रहमत होगी। क्या? सिर्फ 20 रुपए में साहब, एक पंछी सिर्फ 20 रुपए में। इसे रिहा कर दीजिए और फिर जो दुआ मांगनी है मांग लीजिए, अल्लाह मियां उसे जरूर पूरी करेंगे। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। अल्लाह की मखलूक की दुआ लीजिए साहब। मुझे ना ही तुम्हारे पंछियों की जरूरत है, ना ही अल्लाह मियां की। अब जाओ यहाँ से। नास्तिक हो साहब?
हाँ। ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। चलो। अल्लाह को बिल्कुल नहीं मानते। अजीब तरीका है दुकान चलाने का, हाँ? पहले पंछियों को कैद करो, फिर इन्हें बेच के पैसे कमाओ, और फिर कहो कि इन्हें रिहा करो तो अल्लाह की रहमत बरसेगी। कमाल है। पहले खुद पाप करो और पुण्य के बाद हम पर थोप दो। देखो साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। इन पंछियों का मालिक कोई और है। मैं तो इन्हें सिर्फ बाजार में लाके बेच देती हूँ। तो फिर इन्हें सीधी तरह बेच दे करो ना। ये गुनाह और सवाब की बड़ी बड़ी बातें करने की क्या जरूरत है? जरूरत है। पता है, आज से 1400 साल पहले जो पैगंबर मोहम्मद थे, वो मक्का और मदीना के गुलामों को उनके मालिकों से मुंह मांगे दामों में खरीद लेते थे और फिर उन्हें आजाद कर देते थे। अब आजकल गुलाम तो रहे नहीं, इसीलिए मैं इन परिंदों को बेचती हूँ ताकि लोग इन्हें खरीदें और सवाब के लालच में इन्हें रिहा कर दें। अच्छा, ऐसे भी बेवकूफ होते हैं। फिर उल्टी बात, अगर यकीन नहीं होता तो एक बार किसी पंछी को रिहा करके देखिए, फिर अल्लाह की रहमत बरसेगी और रूह को जो सुकून मिलेगा ना, तब आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। शिवम, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल ना यहाँ से, चल ना। पूरी मार्केट घूम लिया मालूम तेरे लिए, और तू यहाँ पे बैठा। पार्टी रुकी है, हम लोग आएंगे। इस बेटी का सवाल है, तेरा ध्यान कहाँ है? मैं बकबक थोड़ी कर रहा हूँ। हाँ भाई, कैसे हो? हाँ, माल उठा लिया। हाँ, डिक्की में। हाँ जी, पहुँच रहे। क्या पार्टी मिली है यार, जल्दी से मोटे को उनके हवाले कर देते हैं, फिर 30 पेटी अपनी। वाह, पता है, आज से 1400 साल पहले जो पैगंबर मोहम्मद थे, वो मक्का और मदीना के गुलामों को उनके मालिकों से मुंह मांगे दामों में खरीद लेते थे और फिर उन्हें आजाद कर देते थे। अब आजकल गुलाम तो रहे नहीं, इसीलिए मैं इन परिंदों को बेचती हूँ ताकि लोग इन्हें खरीदें और सवाब के लालच में इन्हें रिहा कर दें। फिर उल्टी बात, अगर यकीन नहीं होता तो एक बार किसी पंछी को रिहा करके देखिए, फिर अल्लाह की रहमत बरसेगी और रूह को जो सुकून मिलेगा ना, तब आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। साला स्टाइल से क्या बोलता है? हाँ शिवम। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? हाँ शिवम, क्या कर रहे? मुझे मत मारो। मुझे जा मोटे, बख्शी तेरी जिंदगी, जा। मुझे मत मारो। अरे नहीं मारूंगा तेरे को। तू क्या कर रहा है शिवम? अरे कुछ नहीं, मेरी बात सुन, ठहर ठहर। अबे मोटे, बैठ जा, चल जा जा। अरे अरे मैं बोल रहा हूँ। अरे तेरे लिए तो मैं अपनी जान दे दूँ यार। जाना नहीं चाहिए, इरादा बदल दूँगा मैं। चल निकल यहाँ से मोटे। क्या कर रहा है यार? मैं भगवान हूँ। मोटे बैठ अंदर। तुमने मेरी जान बचाई है। थैंक यू सो मच। सुनता नहीं है मोटा। अबे मोटे जाता कहाँ है? रोक। शिवम क्या कर रहा है तू यार? हाँ, तुझे हो क्या गया? खुद भी मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। आज हो क्या गया तुझे? हाँ छोड़ यार, तू नहीं समझेगा। पागल हो गया तू, पागल। हेलो। हाय, मैं रीमा बोल रही हूँ। आपने कहा था कि अगर कोई काम हो तो आपको फोन कर लूं। वैसे मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी, पर एक जरूरी काम आ गया है। क्या प्लीज कॉल उन आ सकते हैं? जी, कितनी देर में? आधे घंटे में। अरे मारा नहीं, मुझे मैं पहचाना नहीं। अरे नहीं, याद करो, हम लोग मिले। याद है तुमने मुझे जीवन दान दिया था? नहीं, मुझे याद नहीं। सिद्धार्थ सूद, मैं अपने होटल में खाना खा रहा था और तुमने मुझे किडनैप किया था जोधपुर में, याद है? याद है? हाँ। अरे तुमने मुझे जीवन दान देकर मेरी पूरी जिंदगी बदल डाली। अब मैं भगवान का सीईओ हूँ।
स्वदेश से आए हुए भटके लोगों को यहाँ सत्य का मार्ग दिखाता हूँ। यहाँ यहाँ हांगकांग हांगकांग के बाहर एक मॉनेस्ट्री है, वहाँ रहता हूँ मैं। कभी आ जाओ ना हमारे यहाँ। ठीक है, आऊंगा। आ जाओ ना आप। आऊंगा आऊंगा। हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे आप, तुम भी कितने अजीब हो शिवम। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हो, तुम यहाँ खड़े होके बातें कर रहे हो। आई एम सॉरी। आपको मिलने के लिए मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा मेरी वजह से। माफ कीजिए, न जाने हम भिक्षुओं को ऐसा क्यों लगता है, हमने दुनिया त्याग दी तो सब लोगों ने त्याग दी, लेकिन आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आइएगा मिलने आना जरूर हमको मिलने। सॉरी। अच्छा बताइए, आप काम क्या करते हैं? मलिक साहब के होटल का इंचार्ज हूं। मैंने आपको अपना कार्ड तो दिया था। हाँ, वैसे वो कह रहे थे कि आप काफी खतरनाक किस्म के इंसान हैं। आई मीन, आपको गुस्सा बहुत आता है। आपने कहा था कि आपको मुझसे कोई जरूरी काम है। एक्चुअली जब से मलिक साहब लंदन गए हैं, एक अजीब सा डर लगने लगा है, और आप विश्वास नहीं करेंगे पर मुझे लगता है मेरे घर में भूत है। भूत आपके घर में नहीं, आपके दिमाग में है। इस भूत का नाम तन्हाई है। कभी मैं भी आपकी तरह तन्हाई से भागा करता था, डरा करता था। फिर एक दिन मैंने उस तन्हाई से दोस्ती कर ली और सब ठीक हो गया। मेरी मानिए तो आप भी अपनी तन्हाई और अकेलेपन से दोस्ती कर लीजिए। चलो, आप कहते हो तुम अपनी इस तन्हाई से भी दोस्ती करने की कोशिश करके देखते हैं, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। फिलहाल एक और रास्ता है। वो क्या? मैंने एक तावीज बनवाई थी अपने लिए यहाँ के एक मौलाना से, शायद वो बन गई होगी। उसे अपने दरवाजे पे बांध लूंगी तो चैन तो आएगा कि अल्लाह मियाँ मेरे साथ है, मेरी हिफाजत कर रहे हैं। आप प्लीज अंदर जाके मौलाना से वो तावीज ले आएंगे। मैं अंदर नहीं जा सकता। मस्जिद और मंदिर, मठ जैसी इमारतें मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा होगा अगर आप मुझे इनसे दूरी रखें। I'm sorry, पर हम औरतों को अंदर जाना मना है और मुझे उस ताबीज की बहुत जरूरत है। मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज अंदर जाएं और वो ताबीज। जी जी कहिए। रीमा जी ने मुझे भेजा। हाँ, मौलाना साहब नमाज पढ़वा रहे हैं, आप बैठिए। जैसे ही नमाज हो जाएगी आप मिल लीजिएगा, बैठिए। जी अल्लाहु अकबर। दस मिनट की तो नमाज होती है, उसमें भी कभी दाएं कभी बाएं कभी सामने, हद हो गई है। पता नहीं अपनी माँ के पेट के अंदर 9 महीने कैसे रहते। तो सब्र नाम की कोई चीज होती है या नहीं? अरे यार, जब तुम नमाज पढ़ती हो ना, मैं बहुत अकेला पढ़ जाता हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें, तुम मुझसे कुछ कट सी जाती हो, मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। और आज तो तुम कुछ ज्यादा ही लंबी बातें कर रही थी अपने अल्लाह मियाँ के साथ। उठने का नाम ही नहीं ले रही थी तुम। आज मैं कुछ खास बातें कर रही थी तुम्हारे बारे में,
मेरी चुगली कर रही थी तुम? चुगली नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी। मैं अल्लाह से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए। चाहे तुम उसे जिस तरह जिस शक्ल में मानो, मगर मानो जरूर। तुम सुन रहे हो ना शिवम? सुन रहा हूं। तुम लोगों की बस एक यही परेशानी है, ऊपर वाले को छोड़कर बाकी सारी बातें समझ लेते हो। अरे जब ऊपर कोई है ही नहीं तो इसमें समझने की बात क्या है? हा? तुमसे तो बात करना ही मुश्किल है। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोनों मरने के बाद भी मिले जन्नत में, और जन्नत में वही लोग मिलते हैं जो खुदा को मानते हैं। नहीं तो तुम कहीं और मैं कहीं और, खामखा तुम्हारे बगैर रहना पड़ेगा शिवम। आलिया मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है ना, वही मेरा ईमान है, वही मेरा मजहब है। मेरे लिए मेरा ईमान और भगवान सिर्फ तुम हो। तौबा तौबा शिवम, बस भी करो। और रही बात ऊपर वाले की, अगर वो है और उसने मुझे तुमसे मिलाया है तो एक ना एक दिन वो मुझे अपना भक्त बना के ही छोड़ेगा। अब वो कब करता है कैसा करता है उसे भी छोड़ देते हैं। मगर शिवम मेरी बात बस होगी, ऊपर वाले की बातें, भगवान की बातें अब आए पे, किसी और की बातें करते हैं। कुछ प्यार की बातें करते हैं ना, मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में। आलिया मेरी बात सुनो। आलिया अब कहाँ जाओ, किधर भाग हुई तुम? बेहयाई की सारी हदें तोड़ दी हैं आज तूने। सरे बाजार अपने आशिक की बाहों में बाहें डालकर घूम रही है। बेखौफ हमसे निगाहें भी मिलाती है। नजर नीचे रख बदतमीज। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं इससे। आपको मंजूर हो तब भी, ना मंजूर हो तब भी। हाथ मत लगा मुझे। एक तो तू गैर मजहबी है, ऊपर से गुनहगार भी है। तुझे बताया नहीं इसने इसका पेशा क्या है? चोर है ये, एक गुंडा है ये, और अपने इन गुनाहों की वजह से दो बार जेल जा चुका है, दो बार। मेरी बेटी से शादी करेगा तू? उसे हराम की रोटियां खिलाएगा? अगर आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देते हैं तो अभी इसी वक्त यह हथियार, ये गुनाहों की जिंदगी सब छोड़ने के लिए तैयार हूं मैं। हथियार और इस जिंदगी की क्या बात करता है तू? तो अभी इसी वक्त ये दुनिया छोड़ देने वाला है।
आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। बोलिए। पता नहीं क्यों पर ऐसा लगता है जैसे मैंने आप जैसा तन्हा और अकेला इंसान आज तक नहीं देखा। शायद वो तन्हाई और अकेलेपन का भूत अभी भी आपके आसपास है। इस तावीज की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है। तेरी गाड़ी बीच रास्ते पर पड़ी मिली। शिवम क्या हुआ? चले आयशा आयशा आयशा। शिवम सुलह करने आए। हाँ रिलैक्स मुन्ना प्लीज। अभी नहीं छोड़ने को रोनी बात ही तो कर रहे हैं। पूरा मुंह तोड़ने वाला रोनी मुन्ना बाद में प्लीज मेरी बात मान। बैठ जा प्लीज बैठ जा बस। हाँ बैठ। मैं पेशे से बिजनेसमैन हूं। मेरा धंधा लोगों को मारना नहीं है लेकिन कोई मेरे धंधे में टांग अड़ाए तो मैं उसे मार देता हूं। तू मेरे धंधे में टांग अड़ा रहा है मेरे धंधे में मेरे बेटे के साथ पर मैं तुझे माफ कर दूंगा क्योंकि तू मेरे भाई का कुत्ता है लेकिन उसके लिए तुझे मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। पांव छू माफी मांग। जान इतनी सस्ती नहीं है कि तू जब चाहे उसे ले सके। सुलह करने आए थे ना तो एक बात ध्यान से सुन लो आइंदा मेरे रास्ते को काटने की कोशिश भूले से भी मत करना। अभी मैं तुम्हें और तुम्हारे इन बच्चों को 2 मिनट का वक्त देता हूं। महंगा पड़ेगा। Thank you.
राजन भाई है मलिक साहब का। मैं तुझे पैर पकड़ के माफी मांगने को तो नहीं कह रहा हूं ना, दोस्त तुम्हें तेरा, अबे फिक्र होती है तेरी, पर पता नहीं आजकल ऐसे क्यों लगता है कि तू फिर से वहीं लौट गया है जहां से। Good night. See Bye. you. Bye. Oh, hello. हाँ। अपना बैग तो लेते जाओ। अरे सॉरी सॉरी। नहीं तो आधी रात को हम गरीबों को परेशान करेंगे। Good night. Bye. बड़ी बात है इतनी रात का किसी का पीछा करना, उन पे नजर रखना, ये तो एक किस्म की चोरी हुई ना। वो मैं बहाने मत बनाइए, मुझे मालूम है कि आप मालिक साहब के हुक्म की तामील कर रहे हैं, तो आप क्या इरादा है, पीछा करके तो आपने देख लिया, अगर अभी भी तसल्ली ना हुई हो तो बैठी गाड़ी में रात भर, आप कहें तो मैं आपके लिए कॉफी भिजवा दूं? नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर जाइए, मैं जा रहा हूं, आप जाइए। कबीर कहाँ है तू शिवम? क्लब में क्या हो रहा है? रॉनी आया है, मिलना चाहता है। नहीं मुझे रॉनी से बात नहीं करनी है। लेकिन उसको बोल कि मैं उसको हेलो हेलो तू ठीक है शिवम? हेलो शिवम कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, कोई गाड़ी गाड़ी क्या बोल रहा है तू? हेलो शिवम क्या बोल रहा है तू? तू ठीक तो है? मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ तुम्हें अपने मुल्क वापस ले जाने आया हूँ। रीमा तुम्हें अल्लाह का वास्ता, रीमा वापस चलो। बिलाल जब मलिक साहब मुझे यहाँ लाए थे तो मैंने जिंदगी से समझौता कर लिया था, अब मैं सिर्फ उनकी गुलाम हूँ, नहीं देखती मैं आजादी के सपने। रीमा तुम एक दोजख से दूसरे दोजख में खिंची चली जा रही हो और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रीमा मेरी बात मानो, अपने मुल्क वापस चलो रीमा, अपने वतन वापस चलो रीमा। तुम समझते क्यों नहीं हो, मैं अपनी आजादी के लिए तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती, और अगर मलिक के लोगों ने हमें साथ में देख लिया तो वहां डालेगा ना मुझे। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ कैद में रहते हुए नहीं देख सकता रीमा। लेकिन बिलाल रीमा बोलो, मेरी बात मान, हमारे पास सिर्फ आज की रात है रीमा, आज वो शिवम भी तुम पर नजर नहीं रख रहा। मैंने 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 लाहौर जाने की दो टिकटें बुक कर ली है रीमा, मेरी परवाह मत करो रीमा, बस अपना बैग पैक करो और चलो। No, not more than that. We are going to finish it within 4 months. Oh, wonderful. Yeah. बोलो शिवम। सर आपने ठीक सोचा था, उसकी जिंदगी में कोई है। सर उसका नाम बिलाल है, वो इस वक्त रीमा के साथ ही है सर, उसके घर पे। वो दोनों आज रात को पाकिस्तान जाने वाले हैं सर। किलर जी सर। किलर
जी सर। यकीन नहीं होता तो एक बार किसी पंछी को रिहा करके देखिए, फिर अल्लाह की रहमत बरसेगी और रूह को जो सुकून मिलेगा ना, तब आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा। प्लीज तुम्हारे अल्लाह का वास्ता, तुम्हें हमें छोड़ दो। क्यों नहीं दिया उसे? हाँ, गोली क्यों नहीं लगी फिर? बोलना। पता नहीं यार, मैंने 6 गोलियां चलाई, वो भी 6 फीट की दूरी से।
लेकिन उसको एक भी नहीं लगी। पता नहीं मेरा निशाना कैसे चूक गया। मेरे हाथों ने मेरा साथ नहीं दिया यार, जैसे जैसे कोई चमत्कार हो गया हो। चमत्कार? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तू ये सब कह रहा है। नास्तिक है ना तू? तूने कब से इन बातों को मानना शुरू कर दिया? हाँ, बकवास करता है। गोली नहीं चली, जैसे ऊपर वाले ने आकर उसे बचा लिया। नहीं शिवम, सच तो यह है कि तू उसे मारना ही नहीं चाहता था। अब उसके बदले हम दोनों मरेंगे। मलिक हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। अब तू ही बता हमें क्या करना है, बोलना। ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, कालून बैंक। इसमें $8,00,000 है। जितनी जल्दी हो सके इसे विड्रॉ कर, हम लोग पहली फ्लाइट से इंडिया वापस जा रहे हैं। वापस यानी कि फिर से भागे? साला 3 साल पहले अपना मुल्क छोड़कर यहां पर आए थे। यहां पर अच्छा खासा काम काज चल रहा है, 4 पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, और तू कह रहा है कि वापस चल? क्यों शिवम, एक पाकिस्तानी लड़की के लिए हम मलिक साहब के साथ पंगा क्यों ले? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, और ना ही किसी लौंडिया के वजह से हम अपनी जान जोखिम में डालेंगे। समझ रहा है ना तू? साली को भी उड़ा कर आता हूं मैं। इस दोस्ती में जो भी फैसला करना है वो मैं करूंगा, तू नहीं। अब जो मैं कह रहा हूं वो करेगा? हायना, हायना! तू कहे तो तेरे लिए अपनी जान दे दूं। मैं 2 घंटे में पासपोर्ट लेकर एयरपोर्ट पहुंच रहा हूं, तू भी पैसे लेकर एयरपोर्ट पहुंच। साथ देखकर हैरान क्यों हो रहा है? वो तो सिर्फ तेरा दोस्त था, तू तो मेरे लिए बेटे से बढ़कर था। मैंने तुझे रीमा को मारने के लिए कहा था, वो जिंदा है। क्यों, ऐसा हम लोगों के बीच में क्या हो गया है शिवम कि तू आज मेरे खिलाफ खड़ा हो गया? गांव में बहने वाली नदी का पानी कभी कभी बरसात में गांव में ही घुसने लगता है, तो तबाही के डर से हम उस नदी को उठाकर गांव से बाहर नहीं फेंकते, बल्कि इंतजार करते हैं तूफान के थमने का। मैं तुझे एक मौका और दूंगा, जो काम तूने अधूरा छोड़ा है उसे पूरा कर। नहीं सर। ये मुझसे नहीं होगा।
तू ही रीमा को खत्म करेगा, तू ही रीमा की जान लेगा, सिर्फ तू। इसे तब तक तकलीफ पहुंचाओ जब तक इसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। इंसान अपने लिए गए फैसलों से ही बड़ा होता है, ठीक किया तुमने। ऐसे ही रहे तो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। सकता हूं? जिनी को जानती हूं, एक बार मेरे दिल में कुत्ता पालने की हसरत पैदा हुई। मैं बाजार गया, वहां पे बहुत खूबसूरत कुत्ते थे, ऊंची नस्ल के, मगर कोई यहां नहीं लग रहा था। दिल में अचानक मेरी नजर एक कुतिया पर पड़ी, कोने में, बीमार सी, मैली कुचैली, मुझे भाग गई। दुकानदार ने मुझसे कहा, मत ले जाओ इसे, बीमार है, मर जाएगी। मैं नहीं मानू, उसे अपने घर ले आया, नहलाए धुलाए, पाला पोसा, उसकी परवरिश की। तुम्हारी और जिनी की कहानी बिल्कुल एक है, सिर्फ एक फर्क, वो वफादार निकली। सॉरी सर,
I don't believe this. तूने माफी मांग ली? जब जान हलक में अटक जाती है ना, तो कैसे जिंदगी के उसूल बदल जाते हैं? Yes sir, yes sir. हाँ डैड, मैंने सब अंकल आए। सो सुना शिवम भाग्या? I don't believe this. अगर ये काम आप मुझे देते ना, तो अब तक वो मर गया होता। उसकी वजह से आपने अपनों के साथ बिगाड़ लिया था ना रिश्ता। आपकी सारी होशियारी ना धरी की धरी रही। आगे कुछ क्या हो? सही कह रहा है बच्चा। सही पहचान नहीं है मुझे इंसान की।
मैं थक गया हूं बाबा, अब अकेले मुझसे यह कारोबार नहीं संभाला जाता, मुझे तेरा सपोर्ट चाहिए, बदले में पैसा, पार्टनरशिप, जो मांगेगा दूंगा। तू शिवम को मेरे सामने ले गया, सामने लिया जिंदा, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता हूं। शिवम तो मरा, अब सिर्फ उसकी अर्थी उठनी बाकी है। अब हांगकांग में उसको सिर्फ भगवान बचा सकता है। लेटे रहो, जो भी हुआ लेकिन तुम यहां बिल्कुल सुरक्षित हो, लेटे रहो। मेरे लोग उस लड़के को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेंगे। तेरे लिए बेहतर है कि तू खुद बता दे। तेरी यही खामोशी तेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनेगी। मैं तुझे उठाकर उसी जगह वापस भेज दूंगा जहां से खरीद कर लाया था एक दिन। तेरी सही जगह वही है, वहां आशिकों की कमी नहीं पड़ेगी तुझे। एक ढूंढेगी हजार मिलेंगे और वो सब मिलके तेरा इतनी बार इस्तेमाल करेंगे कि दोबारा किसी और से इश्क करने के लायक नहीं रहेगी तू। आज से तू उसी दिन का इंतजार कर। से कह रही थी कि तुम्हारे अंदर ईमान जगाए, तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाए। चाहे तुम उसे जिस तरह जिस शक्ल में मानो,
मगर मानो जरूर। मैं तो ये चाहती हूँ कि हम दोनों मरने के बाद भी मिले जन्नत में, और जन्नत में वही लोग मिलते हैं जो खुदा को मानते हैं। मुझे तू छुड़ा आज शाम को तुम हिंदुस्तान के लिए निकलोगे। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। हमारा एक भिक्षु है जिसकी हांगकांग में शिपिंग कंपनी है, वो तुम्हें कलकत्ता पहुंचा देगा बिना पासपोर्ट के। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या सोच रहे हो? इन्होंने लोगों को दुख दर्द से आजाद करने के लिए मोक्ष और निर्वाण ठुकरा दिया था, और एक मैं हूं जो अपनी जान बचाने के लिए यहां से भाग रहा हूं। कब तक भागता रहूंगा मैं? कब तक ये जलील बेमतलब की जिंदगी को अपने कंधों पे लेके छुपता फिरूंगा? और फिर क्या करूंगा जिंदगी का? किसी और मलिक का कुत्ता बनकर उसके आगे पीछे तुम्हें लाता फिरूंगा बस? पता है सूद, जब आलिया के बाप ने मेरे सीने पे बंदूक तानी थी ना, तो मैं अपनी जान बचाने के लिए सामने से हट गया था। मैं बच गया लेकिन वो नहीं बची, और मैं देखता रहा। आज भी वही कर रहा हूं, मैं कायरों की तरह छुप रहा हूं, भाग रहा हूं, लेकिन कब तक भागता रहूंगा मैं? कहां भागूंगा मैं? ऐसी कौन सी जगह है जहां उसकी आवाजें मेरा पीछा नहीं करेंगी? मैंने तय कर लिया सूद, मैं हिंदुस्तान वापस नहीं जाऊंगा। अरे मैं नहीं जाऊंगा, मैंने तय कर लिया। लेकिन शिवम, तुम यहां रहोगे तो मलिक के लोग तुम्हें ढूंढ के मार डालेंगे। इसी मौत के डर से मरने से पहले मर गया था मैं। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। पूरी तरह जीने के लिए किसी के लिए तो मरना पड़ेगा। रीमा और बिलाल को मिलाए बगैर मैं मरूंगा नहीं। इस गुलाम को आजादी तभी मिलेगी जब वो उन दोनों को आजाद करेगा।
चल बैठ अंदर, फिलहाल बैठ अंदर। Get him. Don't let him go. Bilal, rok. Bilal. मार दे मुझे, चला गोली। ये हाथ इतने भी नहीं बदले जितना तू बदल गया है कबीर। मैं जाकर भी तुझ पे गोली नहीं चला सकता। जिंदगी से रिहा कर दे यार, चला गोली। मैंने अपनी दोस्ती तोड़ी है, प्लीज मार दे मुझे। इस दोस्ती में जो भी फैसला करना है वो मैं करूंगा, तू नहीं, समझ गया तू? हाँ, और मैं कहता हूं कि तू जिएगा और मेरी मदद करेगा। इस लड़के को सिद्धार्थ सूद के मंदिर लेके जा और मेरा इंतजार कर, मैं रीमा को लेकर वहां आऊंगा, समझ गया तू? कबीर बोल, तू ये करेगा आया ना? तू कहे तो तेरे लिए अपनी जान दे दूं। नौटंकी साला, लड़की जैसा रोता है, चल जाए ऐसे। और बता रीमा कहाँ है? वो सिर्फ राजन और मुन्ना को पता है। रीमा क्या है? हाँ,
मेरा भाई उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार है, तू उसके लिए मरने के लिए तैयार है? क्या है ये धीमा? इन लड़कियों से अच्छी है क्या तू? ऐसा मैं तेरे को बताता है कि वो किधर है? तू ले गया, तू साली को इधर ले गया, इधर ले गया उसको, पर चखेगा उसको, किप को चखाएगा मैं, अक्का हम कौन को चखाएगा मैं, उसके बाद क्या? मुझे बदमाश, मुझे कुछ नहीं पता, मुन्ना को ही पता वो कहाँ पे है, मुझे बदमाश, मुन्ना को फोन कर। अबे साले इतने हाइपर मत बन, पहुंच रहा हूँ मैं, लगा रहा हूँ गाड़ी को। हाँ बोल, पहुंच गया, कहाँ है तू? अबे साले कितने बार समझा मेरे डैड को छोड़ के मेरे पास आने के लिए, पहुंच गया मैं पार्किंग लॉट पे, कहाँ है तू? भाग, निकल यहां से। तुझे कोई खास अफसोस नहीं होगा, फिर भी बोल देता हूं, मैंने तेरे बाप को मार दिया। तुझे जाना चाहिए अपने बाप की अर्थी को कंधा देने, जाना है ना? जा, लेकिन उससे पहले सिर्फ इतना बता दे कि मलिक ने रीमा को कहां रखा है। मलिक अंकल के मकाव वाले मकान में। थैंक यू। बड़ी गलती की तूने, मेरे से लफड़ा करके बहुत बड़ी गलती। मलिक अंकल को तेरे को जिंदा देखने का है, मैं तेरे को मारने वाला हूं। माय नेम इज प्रिंस, या एंड आई एम फंकी। मरने से पहले एक सीक्रेट सुनेगा? हाँ, सीक्रेट सुनेगा तू? तेरी रीमा मलिक अंकल की चंकिंग मैंजिन में है, और वहां वो नीलाम होने वाली है, और हम सब सारे मिलके एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, टाइम्स अप, रेडी टू डाई? थैंक यू, थैंक यू। हेलो शिवम भाई। बिलाल। शिवम भाई सारा इंतजाम हो चुका है। तुमको दोनों पासपोर्ट्स मिले? जी कबीर ने दोनों पासपोर्ट्स मेरे हवाले कर दिए। अब आप आगे बताइए। बिलाल तू हांगकांग डॉक्स पहुंच। मेरी माँ को लेकर वहां आ रहा हूँ। शिवम भाई नहीं, शिवम भाई वो लोग आपको मार देंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी बात सुन, मेरा तुझसे वादा है कि तुम दोनों ईद अपने मुल्क में मनाओगे। नहीं शिवम भाई, आप मत जाइए। शिवम भाई वो लोग। शिवम कहाँ है तू? हेलो हेलो शिवम, कहाँ है तू? हेलो हेलो शिवम, हेलो शिवम।
और मुझे जिंदा रख, थोड़ी सी जिंदगी और दे दे। मान गया, तू आखिर यहां पहुंच गया इस लौंडिया के लिए। तो क्या इरादा तेरा? मलिक साहब रीमा को जाने दो, वरना जान से मार देगा मुझे, जान से मार देगा। एक बात समझ में नहीं आई शिवम, मैंने तेरे साथ जानवरों से ज्यादा बुरा सलूक किया, तूने बर्दाश्त किया इस लौंडिया के, मेरे भाई की जान ले ली, मुन्ना को मार गिराया इस लौंडिया के लिए। लेकिन मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया, व्हाई? तुमने इस लड़की को क्यों नहीं मारा? एक आवाज है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है, एक चेहरा है जो मेरे आंखों के सामने बार बार आ जाता है, मेरे दिल का सुकून थी वो। उसी ने कहा था, पंछियों को आजाद करो, अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह के मखलूक को आजाद करो। उसने कहा था, एक मजलूम को आजाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आजाद करना। आज मौका मिला है उसकी बात पर अमल करने का, और मैं वही कर रहा हूं। मलिक साहब, जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। लेकिन ये बात आप नहीं समझोगे, आप नहीं। तू ये काम इसलिए कर रहा है कि तुझे लगता है कि तू मरते मरते कुछ पुण्य करना चाहता है, तुझे लगता है कि तेरा अल्लाह तुझ पे रहमत बख्शेगा, ऊपर वाला तुझे जन्नत नसीब करेगा। बोल जाए। मलिक साहब, मुझे जन्नत में जगह नहीं चाहिए, मैं बस इस लड़की को इस जहन्नुम से बचाने आया हूं। मैंने तो मौत को खुद चुना है अपने लिए और आपके लिए।
शिवम, 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 चलो शिवम, शिवम चलो निकलो यहाँ से शिवम। सुनो, जब भी मैं गोली चलाना शुरू करूँ, तुम दोनों इस बोर्ड तक भाग जाना। शिवम, प्लीज चलो। आवारापन का ये बोझ मुझसे और उठाया नहीं जाएगा। मेरे लिए रुक जाना ही मेरी मंजिल है। ठहरो, ये लो। मुझे आजाद करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। जाओ जाओ जाओ, मैंने कहा जाओ। निकी जासको, निकी जासको।